स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में फैमिली प्लानिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसकी हिस्ट्री, डेमोग्राफी, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने इसे लॉन्च किया था। 1952 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द बर्थ रेट टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। उस वक्त भी पॉपुलेशन हमारी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एट द लेवल कंसिस्टेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसके बीच में सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है, बाधा है, वो है पॉपुलेशन का ऐसे बढ़ते रहना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। देन विल सी द डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। इस डेफिनेशन में कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की डेफिनेशन देखी थी, वो आप लोगों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ये डेफिनेशन थोड़ी क्रिटिकल है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग एडॉप्टेड वॉलंटरीली। तो यहाँ के ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग है जो कि वॉलंटरीली अडॉप्ट किया जाता है। मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए हम किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ कर इस डेफिनेशन को बनाया गया है कि ये एक जीवन जीने का तरीका है, वॉलंटरी तरीका। किस के बेसिस पर? इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। मतलब जो कोई फैमिली है, कपल्स है, उनका एजुकेशन, उनका नॉलेज, उनकी एटीट्यूड और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज और हर फैमिली, टूवर्ड्स द कंट्री, वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन उनका होता है, उस पर ये बेस्ड है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल और कपल, जैसे मैंने कहा फैमिली कपल्स का अपना ये डिसीजन होता है। किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली। मतलब किसके लिए? अपने लिए ही, खुद के लिए। पहले तो इसका बेसिक जो है कंट्री बाद में आती है, पहले खुद के लिए ये ज़रूरी है। तो उस कपल्स का या उनकी फैमिली का जो हेल्थ एंड वेलफेयर है उसको प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। उसके बाद एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर वो खुद की डेवलपमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी ही। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड इम्पोर्टेंट हमने देखे? वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, ये कंपल्सरी, ये ज़रूरी वर्ड है, आपको याद रखना होगा। वॉलंटरी, वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग विच इज़ अडॉप्टेड वॉलंटरीली, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन पे ऑफ इंडिविजुअल एंड कपल। तो ये तो है ही, ये इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रमोट, मतलब किस लिए है? तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ओके। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप याद कर सकते हैं इसे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो इसके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, कंट्री की डेवलपमेंट ये तो हमने देखा ही, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या आता है कि जो पर्टिकुलर वुमेन है उनकी हेल्थ, अगर दो कंसेक्यूटिव बर्थ्स में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हुई तो वुमेन की हेल्थ पर असर पड़ता है उस चीज़ का। इसलिए उस ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है? अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अगर कम एज में प्रेगनेंसी रह गई है या कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज
हो जाती है, तो उस वूमन की हेल्थ डिक्लाइन होती है, ख़राब होती है। तो इसलिए अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है फैमिली प्लानिंग का। लिमिटिंग नंबर ऑफ बर्थ्स एंड स्पेसिंग्स, दो चीज़ें इसमें कि अगर ज़्यादा बर्थ होते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा होते हैं तो भी वुमन की जो हेल्थ है वो डिटेरियरेट होती है, और अगर स्पेसिंग उसमें कम है, 1 साल के अंदर ही वो फिर से प्रेग्नेंट रहती है, तो उसकी हेल्थ सीवियरली डिटेरियरेट होती है। सो वुमेन की हेल्थ के लिए ये स्पेसिंग ज़रूरी है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि कोई जब स्पेसिंग मेथड्स नहीं थी उस वक्त क्या हालत थी, कॉन्सिक्यूटिव प्रेगनेंसीज रहती थी वुमेन को, और उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होती थी। इसका जो फेमस एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि जो मुमताज़ है, ताजमहल जिसने बनाया शाहजहाँ ने, उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ की जो वजह थी, उसका डेथ का जो रीज़न था, वो ऐसा कहते हैं कि वो नंबर ऑफ बर्थ्स की वजह से उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। देन टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू द एजेस ऑफ पेरेंट, ये एक चीज़ ज़रूरी है कि एज रहते उनको प्रेगनेंसी रह जाए या फिर वो चाइल्ड बियर कर ले, ये ज़रूरी होता है। अगर ओवर एज हो जाए, 35 या 40 एज होती है, और उस वक्त अगर चाइल्ड बर्थ होता है या प्रेगनेंसी रहती है, सो इट विल सीवियरली इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ वुमेन। तो इसमें सिर्फ जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और यही सब चीज़ें नहीं, इसमें काउंसलिंग भी आती है। काउंसलिंग इसमें इनफर्टिलिटी के लिए भी काउंसलिंग इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट है, स्कोप्स है, एक्टिविटीज़ है फैमिली प्लानिंग की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फीटल हेल्थ भी है कॉन्सिक्यूटिव बर्थ्स होने से, या फिर कंसेंजीनियस मैरिजेस होने से, मैरिज काउंसलिंग भी इसका एक पार्ट है। तो रिलेशंस में मैरिज होने की वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज होना, या फिर कंसेक्यूटिव बर्थ्स होने की वजह से फीमेल की हेल्थ डिटोरियोरेट होने की वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज बच्चों में हो सकती है। उसके बाद अगर ज़्यादा बच्चे हैं घर में, ऑब्वियसली चीज़ है कि चाइल्ड बर्थ्स है, नंबर ऑफ चाइल्ड है घर में, चिल्ड्रन है घर में, तो उनकी जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं हम सब पे। तो ये भी एक वजह होती है कि फैमिली प्लानिंग इसके लिए भी ज़रूरी है कि चाइल्ड बर्थ जो है वो लिमिट में रहे, तो बच्चों पर ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं, उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशनल स्टेट, वही बात है कि उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, अगर बच्चे कम रहे तो उसको ज़्यादा फोकस करके उनको ज़्यादा हम अवेलेबिलिटी करा सकते हैं इन सब चीज़ों की। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जो दूसरे कंपोनेंट है, डेमोग्राफी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये हम आगे चल के देखेंगे। अब इसमें हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो जैसा मैंने अभी बात की कि स्कोप एंड एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है फैमिली प्लानिंग में। जो WHO की एक्सपर्ट कमेटी थी 1970 में, उन्होंने फैमिली प्लानिंग का जो एक ये बनाया था, उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया था। तो उसमें और एक चीज़ होती है कि प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ तो हमने देखा। उसके बाद स्टेरिलिटी जो होती है, इनफर्टिलिटी जो होती है, उस पर एडवाइस करना, पेरेंटहुड के लिए लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन अब फॉर पेरेंटहुड, मतलब आइडियल एज क्या होनी चाहिए, कम एज में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एज में भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कैसे प्लानिंग करना चाहिए। उसके बाद सेक्स एजुकेशन जो इसमें ज़रूरी होता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में भी लोगों को एजुकेट करना उसमें उनको ज़रूरी होता है। स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सर्वाइकल कैंसर वगैरह है, जैसे हम लोग देखते हैं टीवी पर कि जो ख़राब कपड़ा इस्तेमाल करने से, मेंसेस के वक्त ख़राब कपड़े इस्तेमाल करने की वजह से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। जेनेटिक काउंसलिंग, जैसे
अभी हमने देखा कि फीटल हेल्थ जो है, कंजेनाइटल एनोमलीज किस वजह से होती है, उसमें क्या क्या रीजंस होते हैं, जैसे कॉन्सेंजिनियस मैरिजेस, जो इंटर रिलेशंस में जो मैरिजेस होते हैं, वो एक उसका एक मेन पार्ट होता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग करना, प्रीमैरिटल कंसल्टेशन यानी एग्जामिनेशन कराना, ये भी उसका एक पार्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना, उनको अवेलेबल करवाना, ये एक फैमिली प्लानिंग के अंडर आता है। मैरिज काउंसलिंग भी उसके अंडर ही आता है। प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर अराइवल ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। सो बच्चों के लिए कपल्स को जो है वो रेडी करवा कर रखना, मतलब उनका मेंटल प्रिपरेशन करना चाइल्ड बर्थ के लिए, दोनों पेरेंट्स का, वो भी उसका एक पार्ट होता है। उसी के साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स अल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर्स। जो अनमैरिड मदर्स होती है उनको भी सर्विस प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम के अंडर आता है। एडॉप्शन सर्विसेज का भी प्रोविजन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर आता है। सो ये उसके बारे में डिटेल्स, हिस्ट्री वगैरह हम देखेंगे। तो उसके साथ ही मेन जो कंपोनेंट है फैमिली प्लानिंग का, वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन पर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ आगे बढ़ने से पहले वी शुड नो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है उसके कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, सीरियल, ये जो आप देख रहे हैं सीरियल, इसमें जो है जिसके नीचे जो लिखा है S 2 बार, मतलब आपको S पर से जो है 2 बार उसको याद रखना है। तो इस तरह से ये है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, S से हम देखेंगे, वो सेफ होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। सेफ इन द सेंस उसके कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एलर्जीज है और जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कुछ भी उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो उसकी सेफ्टी ज़रूरी है। उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल होना चाहिए, सेफ के साथ ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिंपल होना चाहिए। ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव, कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इफेक्टिव भी उतना ही होना चाहिए, मतलब उसकी इफिकसी 100% होनी चाहिए आइडियली, पर जितना ज़्यादा हो उतना हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस एक आता है, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आता है R, 2 टाइम्स आता है, तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल इन द सेंस कि उसका यूज़ बंद करने के बाद फर्टिलिटी वापस से तुरंत रिगेन होनी चाहिए, उसमें इनफर्टिलिटी नहीं रहनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने के बाद उसमें जो है इनफर्टिलिटी बनी रहती है, तो वो चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। तो रिवर्सिबल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल इन द सेंस कि उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसको यूज़ करने पर, मतलब जो कपल यूज़ कर रहे हैं वो उस पर रिलायबल हो सके, उसके ऊपर रिलाय कर सके, इस तरह का वो कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। उसके बाद आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ कोइटस, मतलब जो कोइटस का जो प्लेजर है उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे ओरल पिल्स है या IUCDs है या इंजेक्टेबल्स है, उनका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कोइटस में, लेकिन जो मेल फीमेल कॉन्डम्स है वो कुछ हद तक उसको इंटरफेयर करते हैं प्लेजर ऑफ कोइटस को, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके बाद इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। आई से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ कोइटस, दूसरा इनएक्सपेंसिव, जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता भी हो। उसके बाद ए, सो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेबल, मतलब जो रिमोट एरियाज़ के गांव के भी जो लोग हैं, जो अनएजुकेटेड है, उनको भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे फीमेल कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम, ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लोग अभी आके देखोगे, थोड़ी मतलब उनका एक्सेप्टेंस कम है। सो वैसे डायफ्राम को वैसे भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया गया, उसको फॉरेन में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दैट विल बी दी वन ऑफ द रीज़न
एक्सेप्टेंस, उसके बाद एल. सो हियर एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग इनअप टू प्रोवाइड टू अवॉइड फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब ऐसा है कि एक बार उसे यूज़ करने के बाद या लेने के बाद उसको वो लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहिए, उसको रोज़ रोज़ उसको एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत ना पड़े. सो एल स्टैंड्स फॉर दिस. और सेकेंड एल स्टैंड्स फॉर एंड एक्वायरिंग लेस और नो मेडिकल सुपरविजन. मतलब उसको एडमिनिस्टर करने के बाद उसको कम से कम या तो फिर ना ही मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा. तो ये एक सारे क्राइटेरियाज है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो आइडियली इस तरह का होना चाहिए. ठीक है, तो जब भी हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे उसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उसमें आप इन सब चीज़ों को याद करके उसमें लिख सकते हैं कि ये उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो क्लासिफिकेशन हमें देखना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से होते हैं. दो तरह के मेन जो है वो दो तरह के, जो पहला जो है टेम्पररी और दूसरे हैं परमानेंट, या फिर टर्मिनल मेथड्स और टेम्पररी मेथड्स. मतलब टर्मिनल मेथड्स मतलब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स एक्चुअली कर सकते हैं लेकिन उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है. तो टर्मिनल मेथड्स क्या होती है कि परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. टेम्पररी मेथड की विलिंगनेस पर है कि जब हमें चाहिए प्रेगनेंसी तब उनको यूज़ करना बंद कर सकते हैं, दैट इज़ टेम्पररी मेथड्स. उसमें पहला आता है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में फिजिकल और केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, हम देखते हैं उसको डिटेल में. बैरियर मेथड्स के बाद है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. इंट्रायूटराइन डिवाइसेस की एक स्पेशल रेंज है जो इंट्रायूटराइन इंसर्ट किए जाते हैं, तो उनकी एक कैटेगरी है. तीसरी कैटेगरी है हार्मोनल मेथड्स. हार्मोनल मेथड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है, टैबलेट्स के साथ इंजेक्टेबल है, डिपॉट फॉर्मुलेशंस है, ऑल दैट. उसके बाद एक कैटेगरी है कि पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया है और कंसेप्शन हो जाता है तो उस कंसेप्शन होने के बाद हम कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. उसके बाद मिसलिनियस मेथड्स हैं. मिसलिनियस मेथड नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वो है. वन बाय वन हम उनको देखते जाएंगे. फर्स्ट जो हमने देखा बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉन्डम, उसमें मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ये एक फिजिकल बैरियर्स है. उसके बाद डायफ्राम है जो कि इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता. वजाइनल स्पंज है, ये वजाइनल स्पंज जो है वो भी हम डिटेल में देखेंगे, उसको भी फिजिकली इंसर्ट किया जाता है वजाइना में. उसके बाद ये बैरियर मेथड में फिजिकल हो गई. और दूसरी मेथड्स है केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में फोम, फोम टैबलेट्स, एरोसोल्स, क्रीम, जेलीज, पेस्ट, सपोजिटरीज एंड सोल्यूबल फिल्म, इस तरह के कई सारे केमिकल बैरियर्स आते हैं जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. देन नेक्स्ट जो आता है वो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. सो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया. फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज जो थे जो बहुत पहले इन्वेंट किए गए थे, जो इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड थे, जिसमें कोई कॉपर या हार्मोन कोई मेडिकेटेड या ये नहीं था, तो वो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज थे जो कि अब एब्सोलेट हो चुके हैं, आउट ऑफ डेट हो चुके, उसको यूज़ नहीं किया जाता. सेकेंड जनरेशन आईयूडीज जो होते हैं वो कॉपर डिवाइसेस होते हैं, मतलब कॉपर इम्प्रेगनेटेड होता है उसमें. सो दोज आर सेकेंड जनरेशन आईयूडीज. एंड थर्ड जनरेशन आईयूडीज जो है वो हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइसेस होते हैं, उसको भी हम डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं. उसके बाद है पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स. पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स में मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन है, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन है और ओरल एबॉर्टिफिकेशन एमटीपी. मतलब अगर कंसेप्शन रह जाता है तो उसको उस प्रेगनेंसी का अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो इसमें मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, ओरल एबॉर्टिफिकेशन और एमटीपी. विल गो टू डिस्कस इन डिटेल लेटर. और टर्मिनल मेथड्स जो है उसमें मेल स्टरलाइजेशन दैट इज़ वैजेक्टॉमी, फीमेल स्टरलाइजेशन ट्यूबेक्टॉमी है या फिर लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, दो तरह से उसको किया जाता है.
सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन पूरा आपको याद होना चाहिए. सो फर्स्ट जो बैरियर मेथड्स है उसके बारे में हम देखेंगे कि बैरियर मेथड्स क्या होती है. बैरियर मेथड्स आर ऑक्लूसिव मेथड, मतलब वो ऑक्लूजन करती है फ्रॉम मीटिंग ऑफ स्पर्म टू ओवम. इट्स एम टू प्रिवेंट लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग विद द ओवम, इसीलिए उसको ऑक्लूसिव या बैरियर कहा जाता है. इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लेस होते हैं या फिर निग्लिजिबल होते हैं. एबसेंस ऑफ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद पिल्स एंड आईओडीज, जो हम आगे देखने वाले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो यहाँ पर नहीं होते, ये इसका एक एडवांटेज है. इसके कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस भी होते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड नहीं है ऐसे, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो है उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा यूजफुल होता है. रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, मतलब जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है वो ज़्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से एक रीज़न कहा गया है PID का. वन ऑफ द रीज़न ऑफ PID इज़ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो वो जो कॉन्टैक्ट है वहाँ से कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर हम बैरियर मेथड्स को यूज़ करते हैं तो. और पॉसिबली सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को भी उसमें कम किया जा सकता है. सो इन दिस कैटेगरी फर्स्ट स्टैंड्स कॉन्डम्स. सो कॉन्डम्स का क्या है यूज, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्प्रेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सच एज HIV एंड AIDS. ये एक उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के साथ साथ STDs को अवॉइड करना. कॉन्डम्स जो है मेल या फीमेल कॉन्डम्स दोनों भी, दे आर मेड फ्रॉम लैटेक्स और पॉलीयूरेथेन मटेरियल. ये आप लोगों को याद रखना है, ये मटेरियल जो है इसका लैटेक्स और पॉलीयूरेथेन मटेरियल. फीमेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो अवेलेबल बट दे आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया. सो कॉन्डम्स आर सेफ, चीप एंड हैव नो हार्मोनल साइड इफेक्ट, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि चीप भी है, इजीली अवेलेबल होते हैं, सेफ भी है, सेफ्टी के लिए उनका हमने डिस्कस किया, कोई उनके साइड इफेक्ट नहीं होते. दे कैन बी स्टॉप्ड एट एनी टाइम एंड फर्टिलिटी रिटर्न्स शॉर्टली. जो हमने क्राइटेरियाज देखे उसमें कुछ क्राइटेरियाज में ये फिट होते हैं, जो फर्टिलिटी तुरंत रिगेन हो जाती है और हम इसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं. दे आर वेरी ईजी टू फाइंड एंड यूज़ विदाउट सीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कॉन्डम्स को यूज़ करने के लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर, नर्सेस, इनसे गाइडेंस लेने की या इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करने के कुछ मेथड्स है वो पता होने ज़रूरी है होते हैं, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होते. कॉन्डम्स जो होते हैं उनका एक ये टिट होता है आगे का जो एरिया होता है उसमें उसमें से एयर को निकालना ज़रूरी होता है. उसको जब वेयर करते हैं तो उससे एयर को निकाल कर उसको वेयर करना ज़रूरी होता है. ये एक उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता ना होने की वजह से वो स्लिप हो जाता है कॉन्डम. स्लिप होने की वजह से फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो एडवांटेजेस, ईजीली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, सेफ है, हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें ये फिट हो, ईजी टू यूज़, डो नॉट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन, साइड इफेक्ट भी इसका कुछ नहीं है, मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है. डिस्पोजेबल, कॉम्पैक्ट, लाइट इज होता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट प्रेगनेंसी बट अगेंस्ट STD, इसके एडवांटेजेस है. लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ज़रूरी है देखना. इट मे स्लिप ऑफ और टीयर ड्यूरिंग क्वाइटस ड्यू टू इनकरेक्ट यूज, जैसे हमने अभी देखा कि इनकरेक्ट यूज़ की वजह से वो स्लिप ऑफ या फिर टेयर हो सकते हैं. दूसरी चीज, इट इंटरफियर्स विद सेक्स सेंसेशन लोकली, अबाउट विच द सम कंप्लेंट्स सम वाइल अदर्स गेट यूज टू इट. कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग उसको यूज टू हो जाते हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम होता है. हाई फेल्योर रेट्स वेरिंग फ्रॉम 2 to 3 वुमेन 100 वुमेन पर ईयर, मतलब ये किसका यूनिट कहा जाता है कि इसका जो फेल्योर रेट है उसको काउंट करने के लिए, कि 100 वुमेन अगर उसको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको ईयर एक साल तक यूज़ करती है कंटिन्यूसली, तो कितने वुमेंस में चांसेस होते हैं
प्रेगनेंसी के, उस यहाँ पर उसका ये मतलब होता है पर 100 वुमन ईयर, तो 2-3% चांसेस होते हैं, मतलब फेल्योर रेट इसका ही कहा जाता है। मोर देन 14 इन टिपिकल यूजर्स, जो कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं उसमें तो ज़्यादा होता है, तो फेल्योर रेट ज़्यादा है। मोर फेल्योर्स आर ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़, ये मेन वजह होती है इसकी। देन फीमेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स कंसिस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग पॉलीयूरेथेन शीट, जैसा कि देखा पॉलीयूरेथेन शीट से ही बने होते हैं मेल फीमेल कॉन्डम्स दोनों। जो फीमेल कॉन्डम होता है उसका एक एंड ओपन होता है, दूसरा एंड क्लोज होता है, इस तरह से ये होता है, एक क्लोज एंड और दूसरा ओपन एंड होता है। रिम होती है, इसको अंदर इंसर्ट किया जाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं यूटरस के सर्विक्स तक उसको इंसर्ट किया जाता है क्लोज्ड एंड को। क्लोज एंड हैज़ अ फ्लेक्सिबल रिंग दैट यू इंसर्ट इन टू द वजाइना विद द ओपन एंड लेफ्ट ऑन द आउटसाइड, ओपन एंड आउटसाइड ही रहेगा। इट इज़ अवेलेबल ओवर द काउंटर एट फार्मेसीज बट नॉट पॉपुलर इन इंडिया। मोड ऑफ एक्शन वही है कि प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम गेटिंग इन टू द वजाइना बाय क्रिएटिंग बैरियर, सीमेन एंड स्पर्म के बीच में, ये ओवम के बीच में बैरियर का काम करता है। एफिकसी, लाइक मेल कॉन्डम इट इज़ इंटेंडेड फॉर वन टाइम यूज ओनली, यूज परफेक्टली एंड कंसिस्टेंटली, इट हैज़ फेल्योर रेट ऑफ 5% की 100 वुमेंस यूज़ करती है तो 5 वुमेंस में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इट इज़ हियर भी, यहाँ भी एक वही इनकरेक्ट यूज़ एक वजह हो सकती है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड एचआईवीज। सो फिजिकल बैरियर्स में हमने कॉन्डम्स देखा और मेल एंड फीमेल कॉन्डम देखे। डायफ्राम जो होते हैं दे आर ऑल्सो वजाइनल बैरियर, आपको उसके पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ कि इस तरह का जो है उसका शेप होता है डायफ्राम का, नॉट पॉपुलर इंडिया एंड यहाँ देखने को भी नहीं मिलते। द डायफ्राम इज़ वजाइनल बैरियर इज ऑल्सो नोन एज डच कैप, कैप की तरह होता है इसलिए डच कैप कहते हैं। इट इज़ डायफ्राम इज़ अ शेलो कप मेड ऑफ सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल। इट्स रेंज, इसकी डायमीटर जो होती है 5-10 सेंटीमीटर होती है, फ्लेक्सिबल रिम होती है उसकी, मेड ऑफ स्प्रिंग और मेटल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ वुमन टू बी फिटेड विद डायफ्राम प्रॉपर साइज ऑफ प्रॉपर साइज, मतलब वुमन टू वुमन इसकी साइज जो है वो वेरी करती है। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन पार्टली बाय स्प्रिंग टेंशन एंड पार्टली बाय द वजाइनल मसल टोन, मसल टोन की वजह से ये वहाँ पे फिट होता है। दिस मीन्स सक्सेस ऑफ डायफ्राम डिपेंड्स ऑन वजाइनल टोन, उसका सक्सेस जो है टोन पे डिपेंड करता है। द डायफ्राम इज इंसर्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर नॉट लेस देन 6 hours आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स होने के बाद भी 6 घंटे तक उसको वहाँ रहना जरूरी है। और उसको अकेले डायफ्राम को यूज़ नहीं किया जाता, उसको स्पर्मिसाइडल जेलीज के साथ यूज़ किया जाता है। फेल्योर रेट अगेन इसका हाई है। एडवांटेजेस, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डायफ्राम इज ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्क एंड मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है। डिसएडवांटेजेस, फिजिशियन और अदर ट्रेन पर्सन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्निक, जैसे किसी एक्सपर्ट मेडिकल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है इसको पहले सिखाने के लिए कि उसको प्रॉपर तरह से कैसे फिट किया जाता है। प्रैक्टिस एट इंसर्शन, प्राइवेसी फॉर दिस इज टू बी कैरिड आउट एंड फैसिलिटी फॉर वॉशिंग एंड स्टोरिंग डायफ्राम प्रिक्लूड्स इट्स यूज इन मोस्ट इंडियन फैमिलीज। तो यही सब वजह है, प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है नहीं, और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में भी इसे इंक्लूड नहीं किया गया। तो नेक्स्ट बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।